इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा पोर्टल लॉन्च किया है जो सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप एक सीएससी वैली हैं या फिर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है, ये दोनों कंडीशन के लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ये पोर्टल का फ़ायदा उठा सकते हैं। दरअसल ये पोर्टल में आपको फ्री में रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिल रहा है और आपको यहाँ पर तुरंत ही विद इन 2 सेकेंड्स, मतलब कि 1 सेकेंड के अंदर ही आपको एक कार्ड जनरेट करने का मौका मिलेगा। जैसे आप वो कार्ड को ले लेंगे यानी कि डाउनलोड कर लेंगे, वो आपको क्या बेनिफिट देगा या फिर ये जो कार्ड है आपको बनाने के बाद आपको क्या क्या काम में आएगा और ये कार्ड को बनाने का प्रोसेस क्या है, चलिए मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है वो पोर्टल, ये है वो वेबसाइट जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो जैसे आप इस वीडियो के नीचे लिंक पर क्लिक करेंगे इस वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है 75 न्यू इंडिया 2022, मतलब कि 75 ईयर होने वाले हैं एज वी कंप्लीट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इन द ईयर 2022। टुगेदर लेट अस प्लेज इन स्पिरिट एंड सोल टू बिल्ड ए न्यू इंडिया बाई 2022। कमिट योर सेल्फ टू बी द सिटीजन ऑफ न्यू इंडिया। मतलब कि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि 75 ईयर्स, मतलब कि हमारा देश को आज़ाद होने के बाद आपको यहाँ पर एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसके तहत आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर बताया जा रहा है। यू विल बी अपडेट ऑन द डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड कॉजेस विच यू कैन टेक अप टू फुलफिल द प्लेस फॉर न्यू इंडिया बाई 2022। मतलब कि अभी जो है न्यू इंडिया बना गया है 75 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद, आपको हर तरह का अपडेट मिलेगा। जो भी आपको स्कीम, जो भी आपको यहाँ पर योजना लॉन्च होता है भारत सरकार की तरफ से, आप यहाँ पर जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे मोबाइल नंबर में, ईमेल आईडी में, वो सारे का अपडेट आपको मिलेगा। साथ ही न्यू इंडिया के डेवलपमेंट में भी आपका योगदान दे सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, बस आपको यहाँ पर सिंपल से रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद तुरंत ही आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रजिस्टर नाउ का एक बड़ा सा बटन मिलेगा, बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपको अपना फुल नेम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास एक OTP आएगा जिसको आपको डाल के वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपको इसी तरीके का एक कार्ड जनरेट करने का मौका मिलेगा। अब इस कार्ड को आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, अपने पास भी रख सकते हैं और आने वाले जो भी न्यू इंडिया के तहत जो भी स्कीम निकलेगा या फिर आपको जो हेल्प मांगने के लिए बोला जाएगा, आपके पास मोबाइल नंबर में या फिर ईमेल एड्रेस के थ्रू अपडेट आएगा। तो देर किस बात की, आप भी जाइए फटाफट, इस वीडियो के नीचे लिंक है, क्लिक करके इस वीडियो को देखिए, प्रोसेस समझिए और ये कार्ड को डाउनलोड कीजिए, मतलब कि आप बनाइए और अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर कीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपके पास आ सके और आप भी न्यू इंडिया के तहत जो भी स्कीम निकलेगा उसमें कुछ योगदान दे सकते हो और आपका भी इसमें काफ़ी सारा फ़ायदा होने वाला है आने वाले दिनों में। सो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। Bye.